हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश। मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं लेक्चर का, तो आज मैं एकदम स्टार्टिंग से बताने जा रहा हूँ कि आप डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या पढ़ना चाहिए, कौन फॉर्म भर सकता है नीट का। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो लेक्चर में जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बताना शुरू करें कि नीट है क्या, पहले मैं अपने बारे में बता दूं ताकि आपको ये पता चले कि आप किसे पढ़ने वाले हैं। मैं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं आप देख सकते हो, मैंने पीएचडी किया है इन बायोटेक्नोलॉजी, एमफिल इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, मैंने पास किया है सीएसआईआर नेट इन लाइफ साइंस, यूजीसी नेट इन एनवायरमेंटल साइंस, आईसीआर नेट इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, गेट मैंने क्वालिफाई किया है बायोटेक्नोलॉजी में, और जी सेट जो कि गुजरात स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो मेरे लाइफ साइंस में क्वालिफाई किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी फील्ड में जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं कॉम्पिटेटिव, वो सारे के सारे मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको कुछ गाइड कर पाऊंगा और शायद आप अपने डॉक्टर बनने का सपना मेरे साथ साकार कर पाएंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपके कोई भी क्वेश्चन दिए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर डॉक्टर्स बनने के लिए, इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या जो डिग्रीज होती हैं, कौन कौन से अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। डॉक्टर बनने के लिए पहले क्या होता था, आज के 3-4 साल पहले क्या होता था कि जितनी सारी स्टेट्स हैं, लाइक यूपी, यूपी में एक एग्जाम होता था, उसका नाम था, होता था सीपीएमटी, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। दिल्ली अलग करवाती थी, गुजरात में अलग होता था, छत्तीसगढ़ में अलग होता था, मध्य प्रदेश में अलग होता था। तो सारे जितने स्टेट्स इंडिया के अलग अलग हैं, वो लोग अपना प्री मेडिकल टेस्ट करवाते थे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आपको सीपीएमटी देना होगा, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको दिल्ली पीएमटी देना होगा, अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको बिहार पीएमटी देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितने सारे स्टेट्स हैं सब अपने अपने अलग अलग एग्जामिनेशन करवाते थे। ऑल राइट, अगर आपको इंडिया लेवल पे करना है, सपोज आप चाहते हो कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपको एडमिशन पूरे इंडिया में किसी भी मेडिकल कॉलेज में लेना हो, तो उसके लिए एक अलग एग्जाम होता था, AIPMT, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। तो AIPMT के थ्रू MBBS या BDS में एडमिशन मिलता था। बाद में गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो इतने सारे एग्जामिनेशन करवाने में बहुत सारा एनर्जी खर्चा होता था, बहुत सारे रिसोर्सेस खर्चा होते थे, तो गवर्नमेंट ने एक अलग से एक सेंट्रली व्यवस्था की और एक आप देख सकते हो एक एजेंसी बनाई जिसको हम बोलते हैं आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो क्या हुआ कि अब अलग अलग स्टेट जो हैं वो एग्जाम नहीं करवाएंगे, पूरे देश में एक ही एग्जाम होगा और वो एग्जाम का नाम रखेंगे हम नीट। नीट का फुल फॉर्म अगर आप देखें तो देखिएगा, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं नीट यूजी। यूजी मीन्स फॉर अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट मीन्स MBBS BDS। अगर मास्टर्स कोई करना चाहता है आफ्टर MBBS तो उसको नीट PG बोलते हैं। ऑब्वियस है वो अभी आपके लिए नहीं है, तो हम टारगेट करते हैं नीट यूजी के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया में डॉक्टर बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज हैं पहले हम देखते हैं। तो पहला देखिएगा MBBS होता है, आप सबको पता है। फुल फॉर्म अगर देखें तो बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। अगर आप दांत के डॉक्टर बनना चाहते हो तो उसके लिए कोर्स आप कर सकते हो BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये जो MBBS और BDS है, जो कि मैंने यहाँ पर आप हाईलाइटेड देख सकते हो, इनको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करवाता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये इनको रेगुलेट करता है MBBS और BDS के कोर्सेज को। जबकि एक मंत्रालय है, मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं आयुष, आप लोगों ने नाम सुना होगा आयुष मंत्रालय। अभी कोरोना के टाइम पर काफी आयुष की बातें हो रही थी कि जब भी हम आयुर्वेदिक दवाओं की बातें करते हैं तो आयुष मंत्रालय के क्या सजेशंस हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, तो आयुष मंत्रालय काफी चर्चा में है, तो आपने नाम सुना होगा। तो अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें कि आयुष का मतलब क्या होता है, तो आयुर्वेदा, वाई मीन्स योगा एंड नेचुरोपैथी, यू स्टैंड फॉर यूनानी, एस स्टैंड फॉर सिद्धा एंड एच मीन्स होम्योपैथी। तो इतने सारे जो कोर्सेज हैं, और प्लस इसके अलावा वेटनरी, अगर कोई जानवरों का डॉक्टर बनना चाहता है, एनिमल का डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसमें हम BVSC करवाते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है, BVSC बैचलर्स इन वेटनरी साइंसेस।
और भी बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेज। तो जितने भी ये कोर्सेज होते हैं, MBBS हो, BDS हो, है ना, BMS हो जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BSMS बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, एंड BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो ये जितने सारे कोर्सेज प्लस आपको बताया BBSC बैचलर्स इन वेटनरी साइंसेज, इन सब में किसी में भी अगर आपको एडमिशन लेना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको सिर्फ पूरे इंडिया में एक ही एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है NEET UG। इससे पहले अलग अलग एग्जाम होते थे, अगर आप, आपको नाम सुना होगा एम्स, जो कि हमारे देश का सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, तो एम्स के लिए अलग से एग्जाम होता था। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो, तो उसके लिए अलग एग्जाम होता था, इसको बोलते थे AFMC, है ना। तो अभी क्या हुआ है, अभी सब मर्ज हो गया है, अभी इंडिया में कोई दूसरा एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ नीट ही होगा, और एक ही एग्जाम की मेरिट के बेसिस पर आप अलग अलग स्टेट में या अलग अलग कॉलेजेस में एडमिशन पा सकते हैं। नीट जो करवाता है वो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि साल में एक बार करवाता है। अभी अभी बात चल रही है कि शायद इन फ्यूचर साल में दो बार भी हो सकता है नीट, लेकिन अभी तक इस पर डिसीजन आया नहीं है। हम देखते हैं कि जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें सीट्स है कितनी। ये जो डेटा मैं शेयर आपके साथ कर रहा हूँ, ये नीट 2020 के हिसाब से शेयर कर रहा हूँ, जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है और रिजल्ट का वेट हो रहा है। अब मैं 2021 में जब आप फेस करने जाएंगे तो सीट के नंबर कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जो डेटा आपको दिखा रहा हूं मैं, कि अगर MBBS आपको करना है तो गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं जिनमें फीस काफी कम होती है, गवर्नमेंट सपोर्टेड है, उसमें टोटल 272 गवर्नमेंट कॉलेजेस पूरे इंडिया में अवेलेबल है। टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो 41,388, प्राइवेट कॉलेजेस हैं 260 और टोटल सीट है 35,540। मींस अगर इन दोनों को मिला दें, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज, तो टोटल जो आपकी सीट्स आती हैं वो अराउंड 76,928, जो कि फाइनल काउंसलिंग के टाइम पर घट बढ़ सकती हैं। मींस टोटल जो कॉलेजेस हैं जो MBBS करवाते हैं वो हैं 532। ऑलराइट, अगर आप दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज है 50, टोटल सीट है बहुत कम कम है 3513 ओनली, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस के नंबर बहुत ज्यादा हैं 263, और इन प्राइवेट कॉलेजेस में आपकी टोटल सीट है 23,260। ऑलराइट, तो अगर इन दोनों को मिला दें हम 50 प्लस 263, तो आपके जो टोटल कॉलेजेस इंडिया में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं 313, और आपके जो टोटल सीट मिला के पढ़ती हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, ये है 26,773। अगर आयुष मंत्रालय में आप, आयुष मंत्रालय के जो कोर्सेज होते हैं लाइक BMS, BHMS, BUMS, BSMS, इन सब के जो टोटल सीट्स हैं वो है 52,720। अगर BVSC कोई करना चाहता है, बैचलर्स इन वेटनरी साइंसेज, मीन्स एनिमल्स का डॉक्टर बनना चाहते हैं आप, तो ये है 525। तो अगर इनको हम सबको जोड़ दें तो आप देख पाएंगे 76,000, 26,000 मीन्स 1,00,000, और ये मान के चलिए आप ऐसा सा हम सीधा सीधा अगर मान के चले तो 1,60,000 टोटल सीट्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट सीट्स काफी कम है। तो इन सबको मिला करके हम टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के हमारी कंट्री में टोटल मेडिकल प्रोफेशन के लिए ऑन एन एवरेज 1.6 लाख सीट्स हैं। प्राइवेट कॉलेज की फीस काफी महंगी होती है, आपको पता होगा, जबकि इस बार अगर हम 2020 का डेटा लें तो इस बार जो टोटल स्टूडेंट अपीयर हुए हैं वो लगभग 16.84 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था। इसका मतलब प्राइवेट गवर्नमेंट को अगर मिला दें तो हर एक 10 एस्पिरेंट में जो कैंडिडेट होते हैं, जो फॉर्म भरते हैं, उसमें से एक बच्चा सेलेक्ट होता है। तो गवर्नमेंट की सीट काफी कम है कंपेयर टू आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ जो एस्पिरेंट्स हैं, जो डॉक्टर बनना हम बहुत सारे लोगों का सपना होता है, आप जैसे लोगों का सपना होता है, तो वो पूरा करने के लिए हर साल नंबर ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट भी ध्यान दे रही है और अभी नए नए प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसके हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स काफी कम है। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाए। ठीक है, तो ये तो रही नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपको सबको पता है कि सारे लोगों को, जो भी बच्चे 12th पास कर चुके हैं या उसके इक्विवेलेंट है, मतलब डिप्लोमा कर लिया 10th के बाद किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, वो एलिजिबल हैं।
या जो क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं इस बार जो क्लास 12 में गए हैं वो भी नीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने ओपन स्कूल से किया है लाइक NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो वो लोग भी एलिजिबल होते हैं नीट का एग्जाम देने के लिए। तो अब बात करते हैं कि ठीक है ट्वेल्थ में या तो पढ़ रहा है या तो पढ़ चुका है, ये रहा एलिजिबिलिटी। तो सब्जेक्ट कौन कौन से होने चाहिए? तीन सब्जेक्ट होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर कोई एक क्वेश्चन पूछता है कि चलो मैं तो PCM था मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? आंसर इज नो। लेकिन अगर उसने सिर्फ बायोलॉजी से अलग से एग्जाम देकर के पास कर लिया बायोलॉजी के सब्जेक्ट को, तो वो भी एलिजिबल हो जाता है। मींस भले ही आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, अगर आपने बायोलॉजी अलग से पास कर लिया फॉर्म भर के, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं। तो ये रहे सब्जेक्ट्स के बारे में। कंडक्ट कौन करता है नीट का एग्जाम? करता है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, NTANEET.NIC.IN। जो भी गवर्नमेंट नए नए चेंजेस करेगी, एजेंसी नंबर चेंजेस करेगी, कोई अमेंडमेंट करेगी, वो सारी चीज़ें आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। एग्जाम लेवल जैसा आपको बताया कि जो नीट होता है वो पूरे इंडिया लेवल का होता है। एग्जाम होता कैसे? ऑफलाइन होता है। ऑफलाइन मीन्स बहुत सिंपल है, आपको पेपर मिलेगा और आपको एक शीट मिलेगी, और उस शीट में आपको चार ऑप्शंस में से एक सही आंसर को आपको क्या करना पड़ेगा? राउंड करना पड़ेगा। MCQ बेस्ड होगा और साल में एक बार होगा। 3 घंटे का एग्जाम होता है और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 720 होते हैं। 720 मार्क्स का एग्जाम होगा आपका। और मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो एक मार्क एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होता है। मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपने एक गलत कर दिया, नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपका -1 हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं बड़ा सिंपल तरीके से। मान लिया 10 क्वेश्चन है, सिंपल एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लिया 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में आपने 8 क्वेश्चन किए, ठीक है, तो 8 क्वेश्चन का ही इवेल्यूएशन होगा, 2 का तो होगा नहीं क्योंकि आपने उसे छोड़ दिया है। 8 में से मान लेते हैं कि आपके 4 क्वेश्चन सही हो गए, किसी स्टूडेंट का 4 क्वेश्चन सही हुआ, तो 4 क्वेश्चन के मार्क्स कितने हुए? 4×4=16 मार्क्स। और 4 क्वेश्चन गलत हुए तो हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क माइनस। मतलब क्या हुआ? 4 क्वेश्चन के गलत किए तो 4 माइनस, मीन्स 16 में से 4 गई तो आपके सिर्फ 12 मार्क्स आए। तो इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जितनी बार आप करेक्ट करोगे उतनी बार 4 मार्क्स मिलेगा, जितने क्वेश्चन गलत होंगे वो -1 हो जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन में से 2 छोड़ दिया, देर इज नो निगेटिव मार्किंग, कोई नुकसान नहीं हुआ। 8 क्वेश्चन बचे, 8 में से 4 सही हुआ तो उसके 16 मार्क्स, और 4 गलत हुए उसके 4 मार्क्स, 16 में से 4 गई, बचा आपका सिर्फ 12 मार्क्स। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं मार्किंग का। आगे बढ़ते हैं। ये मैं 2020 का दिखा रहा हूं कि आखिर ठीक है अगर आप नीट का फॉर्म भरना चाहते हो तो कितने रुपए आपको खर्चा करना पड़ेंगे। तो उसके लिए नीट का फॉर्म जब भी आएगा, लगभग नवंबर दिसंबर में आएगा, तो उसके लिए जनरल को 1500, जनरल EWS, आपको ये नया कोटा पता होगा, EWS मींस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। जनरल में भी जो भी पुअर कंडीशन मींस जिनका इनकम कम है, इकोनॉमिकली वीक है, उनके लिए, प्लस ओबीसी मींस अदर बैकवर्ड कास्ट, NCL मींस नॉन क्रीमी लेयर, मींस अप टू लिमिट, सर्टेन लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है कि अगर आपके घर की इनकम इससे ज्यादा है तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे और आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपकी इनकम उससे कम है तो आप क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे। अगर आप जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको सिर्फ 1400 रुपये देना था। अगर आप SC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या पर्सन विद डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? जो दिव्यांग है, पहले विकलांग नाम होता था, अभी दिव्यांग है, तो उसका सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, या कोई ट्रांसजेंडर है तो उसको सिर्फ 800 रुपये देने थे। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ GST जो चार्जेस हैं 10-15-20 रुपये लगेंगे, वो भी आपको पे करना रहेगा। तो ये जो फीस है वो फिक्स नहीं है, अगले साल कम या ज़्यादा हो सकती है 2021 में। जैसा मैंने बताया जो टोटल मार्क्स हैं वो 720 हैं, तो इनके डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का। तो अगर फिजिक्स के हम देखें तो फिजिक्स के 45 क्वेश्चन आएंगे और 45×4=180। केमिस्ट्री के भी 45 क्वेश्चन आएंगे, उसके भी 180 मार्क्स। और बायोलॉजी में, जिसमें जियोलॉजी और बॉटनी दोनों इंक्लूड है,
उसके 90 मार्क्स आएंगे, तो 94 + 360। तो आप देख पा रहे होंगे कि बायोलॉजी सबसे ज़्यादा 50% कवर करता है आपका, जो कि मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि 360 में मैक्सिमम मार्क्स आप कैसे स्कोर कर पाएंगे। तो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो है बच्चों 180 मार्क्स हैं, 720। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पता होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मींस एक क्वेश्चन होगा और उसके चार आंसर होंगे, चारों आंसर में से एक सही होगा उसी को आपको टिक करना है, या ऐसा भी हो सकता है कि चारों सही हों उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको सेलेक्ट करना हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जरूरी है, जरूरी नहीं है कि चारों में से सिर्फ एक ही सही हो सकता है चारों सही हो, उसमें से बेस्ट ऑप्शन की तरह आपको जाना पड़ेगा। कितने भाषाओं में ये आपका एग्जाम होता है? तो एग्जाम होता है आपका टोटल 11 लैंग्वेजेस में एग्जाम होता है। आपका जो पेपर होगा इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अगर आप हिंदी भाषी हैं, आप हिंदी बोलते हैं और आपको हिंदी में पेपर आप मांगते हो, तो आपको पेपर हिंदी में मिलेगा। अगर आप इंग्लिश में चाहते हो तो आपको इंग्लिश में मिलेगा। लेकिन एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूं कि क्यों पेपर आपको इंग्लिश में ना लेकर के आपको हिंदी या आसामी या बंगाली या गुजराती में लेना चाहिए। मैं आपको रीजन बताता हूं कि जब आप फॉर्म भरें तो आप इस बात का ध्यान रखें, जब आप इंग्लिश में करेंगे तो क्वेश्चन आपके सिर्फ इंग्लिश में आएंगे। ऑलराइट, मान लेते हैं आप उत्तर प्रदेश से हैं, टोटली आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है और आपको इंग्लिश में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, कई कई चीजें आपको समझ में नहीं आती, कंफ्यूजिंग लगती, तो ऐसे में आपको गलती होने का चांस है। लेकिन अगर आप हिंदी चूज करते हो तो आपका जो क्वेश्चन होगा वो हिंदी में तो होगा ही, साथ में इंग्लिश में भी होगा, तो डबल बेनिफिट। अगर आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में देख लो, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में आप देख लो, तो इस तरह से आपको कंफ्यूजन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हों, आप अपने नेटिव लैंग्वेज में पेपर भरिए, तो आपको इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा ही। अगर लोकल लैंग्वेज में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे कुछ गलतियां हैं तो इंग्लिश का क्वेश्चन को फाइनल माना जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप किसी भी स्टेट से हों, अगर आपने स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की हो तो आप अपने लोकल लैंग्वेज में अपना फॉर्म भरिए, इंग्लिश आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश भरते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मिलेगा, इसलिए आपके लिए आपके लोकल लैंग्वेज में फॉर्म भरना बेस्ट रहेगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते, एज कितना होना चाहिए, यह भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि बच्चों की एज कितनी होनी चाहिए नीट का फॉर्म भरने के लिए। तो पहला क्राइटेरिया है कि ये लास्ट ईयर का डेटा मैं आपको दे रहा हूं कि उसकी जो एज, अगर आप नीट के लिए अपेयर कर रहे हो तो आपकी एज है वो December 31 तक, ये मैं लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं, 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर वो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है तो। 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिनिमम एज लिमिट है अगर वो तो 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए, जो लास्ट डेट दिया जाएगा उससे कैलकुलेट करना होगा, आपके 17 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो मैक्सिमम हम देखें, मैक्सिमम एज लिमिट हम देखें तो 30 ईयर, जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए है। मैं बताता हूं आपको रिजर्व कैटेगरी में कौन आएगा आपका, लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, है ना, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो अप टू 30 ईयर हो सकता है, मैं बताता हूं आपको। तो जनरल कैटेगरी के लिए 25 साल, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आप 28 साल तक फॉर्म भर सकते हो। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर का आपको बेनिफिट मिलेगा और आप 30 ईयर तक भर सकते हैं। हालांकि ये मामला अभी कोर्ट में है फिलहाल, जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो इससे आगे भी एज का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी आप मान के चलिए कि यही आप मान के चलिए कि मैक्सिमम एज लिमिट इज 25। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो 3 ईयर, और अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं लाइक एससी एंड एसटी, तो आप 30 ईयर तक फॉर्म भर सकते हैं। ऑलराइट, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अभी क्वेश्चन उठता है कि नीट में कितनी बार आप फॉर्म भर सकते हैं, कितनी बार आप अपीयर हो सकते हैं, तो अभी तक मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं कि नीट के लिए कोई भी अटेम्प्ट डिफाइन नहीं है कि आप कितने अटेम्प्ट दे सकते हैं, साल में एक बार होता है। अगर आपकी आयु 17 साल है तो आप 25 साल तक फॉर्म भरते रहिए, हर साल भर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक ही साल में क्लियर हो जाए आपका, लेकिन एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई 17 साल का है तो 8 बार फॉर्म भर सकता है, अगर इन फ्यूचर नीट 2 बार होता है तो 16 बार भर सकता है, अगर वो
ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो एक दो और बढ़ जाएगा, तीन अटेम्प्ट मीन्स 3 साल और बढ़ जाएंगे। आप एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल बढ़ जाएंगे। तो ये रहे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और भी क्या सारी चीजें हैं, तो ये हम देखते हैं पार्ट 2 में।